वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ न्यू टीचर। आई एम बी पंडित, द डायरेक्टर ऑफ मिरेकल इंग्लिश क्लासेस। आज आप लोगों का जो है 18 सेंचुरी का एमसीक्यू का सीरीज जो चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो उसका आज आपका 40 आपका जो है चौथा सीरीज होगा, 4 नंबर का सीरीज होगा ट्रांजिशनल एज का। तो आइए हम लोग ये डील करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41 से। अगर प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जो है चैनल पर जाकर के विजिट करके देख ले डियर स्टूडेंट्स। 41 डॉट 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 इज द पायनियर ऑफ द मॉडर्न इंप्रेसिविज्म। कोई मॉडर्न इंप्रेसिविज्म का जो है ना वो कौन आपका ये मेन एक्सपोनेंट है, तो आपका लॉरेन स्ट्रेन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी वुड बी करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 42 में कि लॉरेन स्ट्रेन डाइड इन 1768। लॉरेन स्ट्रेन जो है कब, मतलब कि वो कब मृत्यु हुआ, समझिए ना। तो ये कहाँ पर मृत्यु हुआ, तो लॉरेन स्ट्रेन का डाइड इन 1768 का आपका लंदन में इनका जो है मृत्यु हुआ। सी वुड बी करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 43 में। ए सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली इज रिटेन बाय। ये सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस और आपका इटली जो है लॉरेन स्ट्रेन के द्वारा लिखा गया है। आपका डी वुड बी करेक्ट आंसर, सब ये ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 44। व्हेन वाज द ए सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू द फ्रांस एंड इटली पब्लिश्ड। ये कब पब्लिश हुआ, तो ये आपका 1768 में पब्लिश हुआ डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं आप 45 में। हु गेव द इंप्रेशनिज्म टू द इंग्लिश नॉवेल। इंग्लिश नॉवेल में इंप्रेशनिज्म का जो है ना टर्म को कौन दिया, तो ये लॉरेन स्ट्रेन दिया, समझिए ना। तो ये डी करेक्ट आंसर। आप ना नेक्स्ट में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स आपका 46 में। आपका हु वाज टॉबियस स्मॉलेट, और टॉबियस स्मॉलेट कौन था, ए स्कॉटिश पोएट एंड ऑथर, ए बिजनेसमैन, ए पॉलिटिशियन, ए बायोग्राफर। तो ये हो जाए ये स्कॉटिश आपका पोएट एंड ऑथर हो जाएगा आपका 46 का। ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में की और आ जाते हैं 47 में। कहते द एडवेंचर ऑफ द रॉड्रिक रैंडम इज ए फेमस नॉवेल बाय। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो तौबियत स्मॉलेट के द्वारा लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रॉड्रिक रैंडम का नॉवेल डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हु रोट द एडवेंचर ऑफ द प्रिग्रीन पिकल। आपका ये प्रिग्रीन पिकल को जो है स्मॉलेट को लिखा है। बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट में आ जाते हैं आपका 49 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेट्स नॉवेल। स्मॉलेट्स का नॉवेल कौन है डियर स्टूडेंट। कहते हैं ट्रिसम संडी हो गया, जोजेफ एंड्रूज, तो आपका ये थर्ड द एक्सपेडिशन ऑफ दी हम्फ्री क्लिंकर हो जाएगा। हम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ये यूजीसी नेट में कई बार पूछ चुका है और पूछेगा भी डियर स्टूडेंट्स ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 50 में। कहता है डॉट डॉट नॉवेल साहब लिटिल इन्वेंशन एंड बेस्ड ऑन हिज द पर्सनल अकाउंट्स एंड द एक्सपीरियंसेस। आपका किसका हो जाएगा, स्मॉलेट वुड बी करेक्ट आंसर। बी वुड बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। कहते हैं 51 में स्मॉलेट इज दी कंसिडर आई दी फर्स्ट नॉवलिस्ट हु गेव दी डिटेल अकाउंट ऑफ। ये डिटेल अकाउंट जो है कौन दिया, तो ये फर्नीचर कहते हैं फर्नीचर इंटीरियर डेकोरेशन आपका अदर एक्सेसरीज और सेटिंग और ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। डी वुड बी करेक्ट आंसर। आओ आओ एक बार आते हाय बोलो, हाय बोलो, बोलो साले लोग को बोलो हाय, ऐसे बोलो है ना। सी इज माई प्रिटी डॉटर है ना, तो ये बहुत काफ़ी एक्साइटेड थी कि पापा हम कैमरे में जाएंगे। बोलो हाय, बोलो रे, बोलो हाय कैमरे में, बोलो हाय, लिखो गुड मॉर्निंग, लिखो।
तो ये आपका आ गया 51 में स्मॉलेट इज कंसीडर्ड आई द फर्स्ट नॉबलिस्ट हु गेव द डिटेल अकाउंट्स, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये आपका डी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हमारा 52 में, लाइफ स्पेन ऑफ स्मॉलेट सैमुअल रिचार्डसन, सैमुअल रिचार्डसन का लाइफ स्पेन का 1689 टू आपका 1760 व्हाट हो जाएगा, ये वुड बी करेक्ट आंसर, बैठा दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सैमुअल रिचार्डसन बिलोंग टू, सैमुअल रिचार्डसन जो है बिलोंग करते थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, आपका फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएसए हो गया, तो यूनाइटेड किंगडम से वो बिलोंग करते थे, सी वुड बी करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं आपका 54, पमेला और भर्चू रिवार्डेड इज रिटेन बाय, ये पमेला और भर्चू रिचार्ड ये सैमुअल रिचार्डसन के द्वारा लिखा गया, बी वुड बी करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, कहते हैं 55 में कहते हैं हु रोट द कलारिशा और द हिस्ट्री ऑफ द यंग लेडी, कलारिशा और हिस्ट्री ऑफ द यंग लेडी को कौन लिखा, ये आपका ये वुड बी करेक्ट आंसर, सैमुअल रिचार्डसन ने लिखा डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 56 में, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉवेल ऑफ रिचार्डसन, रिचार्डसन के द्वारा कौन नॉवेल लिखा गया, तो हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडसन ये लिखा गया, सी वुड बी करेक्ट आंसर होगा। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 57 में, डॉट डॉट गेव द सेंटिमेंटालिटी ऑफ द इंग्लिश नॉवेल, ये आपका 4 हो जाएगा, रिचार्डसन हो जाएगा जो सेंटिमेंटालिटी को दिया डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 में, कहते हैं हु रोट द नॉवेल द विकार ऑफ वेकफील्ड, ये ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा, बी वुड बी करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 59 में, ओलिवर गोल्डस्मिथ वाज बोर्न इन 1728 एंड डाइड, अब ये जो है 1774 में इनका मृत्यु हुआ डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग हु वाज द ओलिवर गोल्डस्मिथ, ओलिवर गोल्डस्मिथ कौन था, एन एंग्लो आयरिश राइटर था ये, और ये आपका ड्रामाटिस्ट था डियर स्टूडेंट्स, ये कॉमेडी ऑफ माइनर को पॉपुलराइज्ड भी किया था। अब आ जाते हैं 61 में, हु रोट द डिजर्टेड विलेज ए कलेक्शन ऑफ द पोएम्स, ये डिजर्टेड विलेज को कौन लिखा था, ओलिवर गोल्डस्मिथ लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पोयम है डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, कहता है ओलिवर गोल्डस्मिथ रोट, क्या ओलिवर गोल्डस्मिथ में क्या लिखा, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने आपका द ट्रेवलर को लिखा, डी वुड बी करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, कहता है 63 में सी स्टूप्स टू कॉन्कर इज ए प्ले बाय, आपका ये जो है ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये आपका सी स्टूप टू कंकर जो है ये आपका ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा लिखा गया, सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं 64 में, गोल्ड स्मिथ प्ले, गोल्ड स्मिथ का प्ले कौन है, यहाँ पर द गुड नेचर्ड मैन, हैमलेट, मॉडर्न कैथेड्रल, इम्पोर्टेंस ऑफ बींग अर्नेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्रामा है ये, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 65 में, कहता है हु रोट द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज को कौन लिखा, तो ये आपका डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा, आपका सी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ आप आ जाते हैं 66 में, कहता है व्हेन वाज ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश, ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का पब्लिक 1755 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, कई बार ये यूजीसी नेट में पूछ भी चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 67 में, विच पब्लिकेशन मेड सैमुअल जॉनसन फेमस एंड इंडिपेंडेंट, सैमुअल जॉनसन को फेमस और इंडिपेंडेंट कौन प्ले बनाया, तो इसका आपका हिज डिक्शनरी वर्क जो है इसको काफ़ी इंडिपेंडेंट बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 68 में, 68 क्या कह रहा है,
which thing was the leading thing to romanticism? Romanticism के लिए leading theme क्या था? Emergence of the middle class, जो है B would be correct answer, है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 60 आपका 9 में कहता है हु रोट द प्लेयर्स एंड द मेडिटेशंस. प्लेयर्स एंड मेडिटेशन ये सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा हुआ है. सी वुड बी करेक्ट आंसर. अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 70 में कहता है ए फॉल्स अलार्म इज रिटन बाय. फॉल्स अलार्म जो किसके द्वारा लिखा गया तो ये डॉक्टर जॉनसन के द्वारा ही लिखा गया डियर स्टूडेंट्स. अब नौ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में द फॉल्स अलार्म वाज रिटन हियर. फॉल्स अलार्म को कब लिखा गया तो ये आपका 1770 को फॉल्स अलार्म को लिखा गया डियर स्टूडेंट्स. अब आ जाते हैं 72 में टू विच क्लास ऑफ द पीपल वाज सेंटीमेंटल कॉमेडी फिट्स द बेस्ट. कहता है कौन सेंटीमेंटल आपका मिडिल क्लास वाले लोगों को जो है ना सेंटीमेंटल कॉमेडी जो है काफी ज्यादा फिट करता है डियर स्टूडेंट्स. अब आ जाते हैं 73 में हु कॉल्ड हेनरी फील्डिंग द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल. ये तो हेनरी फील्डिंग को फादर ये वाल्टर स्कॉट ने बोला है डियर स्टूडेंट्स. ये वुड बी करेक्ट आंसर. अब नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं 74 में कहता है डॉट डॉट सेंचुरी इज द गोल्डन एज ऑफ द प्रोज. तो ये आपका 18th सेंचुरी हो जाएगा. सी वुड बी करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग आप 75 में हु रोट द बायोग्राफी ऑफ द सैमुअल जॉनसन्स लाइफ ऑफ द जॉनसन्स. ये कौन लिखा तो ये आपका सैमुअल बोसवेल ने लिखा. डी वुड बी करेक्ट आंसर. अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की और आ जाते हम लोग आप दिस इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट. व्हाट डिड द मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल द 18th सेंचुरी. तो 18th सेंचुरी को मैथ्यू आर्नोल्ड एज ऑफ प्रोज बोला. सी वुड बी करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स. तो आप लोग जो है आप लोगों को वीडियो जो है काफी हेल्पफुल होने वाला है. 18th सेंचुरी का जितना हमारा जो है वीडियो सीरीज बना हुआ है सबको आप वॉच आउट कर लें डियर स्टूडेंट्स. और आपका प्रीवियस भी वीडियो जो है आपका एंग्लो सैक्सन पीरियड से बना हुआ है. अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए. दैट्स ऑल.